चैनल सब्सक्राइब एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दो। तो वीडियो लाइक करो और शेयर कर दो। तो आज हम एक मोड सीखने वाले हैं जिस मोड का नाम है फ्यूल स्क्रिप्ट मोड। तो इसको मैं सबसे पहले तो निकाल देता हूँ, ठीक है। सो ये है फ्यूल स्क्रिप्ट मोड GTA के लिए 5 मोड, ठीक है। तो इसमें मोड में होता क्या है, मैं आपको मैप देखा देता हूँ पूरा। तो ये जो है वो पूरा हमारा GTA 5 का मैप है, ठीक है। लग नहीं रहा होगा लेकिन है, ठीक है। ये एयरपोर्ट है और ये पूरा मैप है माउंट चिलियाड और ट्रेवर का, समझ रहे हो ना, एयरपोर्ट है मतलब रनवे उसका, ठीक है। सो ये जो मोड क्या करता है, रियल लाइफ पे बेस है। मतलब जैसे कि हमें कैसे हमारी कार में एक मतलब हम बहुत ही लॉन्ग राइड में जाते हैं तो हम पेट्रोल भराते हैं, मतलब जैसे कि $1 $2 का, मतलब हम तो रुपीस देते हैं, मतलब देते हैं हमारे इंडियन करेंसी देते हैं, लेकिन GTA 5 तो ब्रिटेन की ब्रांड है तो वो तो डॉलर ही लेंगे। सो हमें सेम उसमें ऐसा ही करना है, हमारी कार में ऐसा ऑरेंज कलर का लाइन आएगी पूरी, वो पूरी होगी उसका मतलब फुल फुल है, कम होती जाएगी तो हमें आवाज़ भी आएगा कि मतलब आएगा कुछ तो बीप आएगी, ठीक है। सो हमें पेट्रोल पंप में जाना होता है और ये जो मैप पे आप एरोस देख सकते हो, मतलब डॉट, वो हर जगह पेट्रोल पंप है, ठीक है। सो हमें इसको आज इंस्टॉल करना है, कैसे करना है पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि वर्कर तो ये मतलब बिना डाउनलोड किए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको चाहिए होगा लुआ प्लगइन V2V के लिए, इसको भी आपको डाउनलोड कर देना है। मैंने किसी को भी डाउनलोड नहीं किया तो मैं भी कर देता हूँ। तो ये मैंने साइन इन करके रखा है तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें स्क्रिप्ट हुक V जो है उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑलरेडी डाउनलोड होता है लेकिन दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको। अगर आपने मोड किया हुआ है, नहीं आता, देख लो आई बटन में लिंक आ रही एक वीडियो की, उसे देख लो, ठीक है। सो इसको भी हमें इधर से डाउनलोड कर देना है, scripthookv.net, फिर scripthookv, फिर लुआ प्लगइन तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो ये सब पूरा डाउनलोड हो मतलब कर देना है, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हमें मोड्स के फोल्डर, मतलब मेरे मोड्स के फोल्डर में मैं सारा सब कुछ रखता हूँ, तो इसको तो मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। मैंने जब मैं एक काम करता हूँ पूरा सेट करके रखता हूँ फिर मिलता हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने पूरा सेट करके रखा है और सब मतलब चारों फाइल्स को हमें एक साथ एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब पूरा सिलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ईच अर्चाइव टू सेपरेट फोल्डर कर देना है। तो ये एक साथ ही में हो जाएगा, इसको आप डिलीट कर दो, कोई काम का नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है scripthookv, उसके बाद बिन में जाना है और फिर DLL और दूसरी DLL फाइल को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मेरे में रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे सिंपली रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है इसमें और इसके बाद आपको scripthookv.net ओपन करना है, फिर आपको ASI वाली फाइल, DLL और DLL3 वाली फाइल, ठीक है, ये तीनों को आपको ड्रैग करके इधर पेस्ट करना या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद फिर से रिप्लेस आ रहा है तो फिर से मैं रिप्लेस कर देता हूँ, अगर आपने किया होगा तो आप में भी रिप्लेस आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लुआ वाली जो फाइल है लुआ प्लगइन उसको ओपन करना है और इसके बाद आपको ऐसे दो मिलेंगे, एक ASI वाला फाइल मिलेगा और एक फाइल फोल्डर मिलेगा, ठीक है। सो आपको देखना है कि मतलब आप सर्च भी कर सकते हो कि मेरे में स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बना हुआ है या नहीं, मेरे में नहीं बना। सो आपको क्या करना है, आप में भी नहीं बना है तो आपको ये जो फोल्डर है ये वाला, ठीक है, इसको आपको सिंपली इसको उठाना है और इधर पटक देना है, ठीक है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, ठीक है। अगर नहीं किया तो आपको वो इधर जो स्क्रिप्ट का फोल्डर है उसे भी ओपन करना है और इस वाले को भी ओपन करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, लेकिन मैंने नहीं किया तो मैं स्क्रिप्ट वाला फोल्डर सबसे पहले इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और फिर ये लुआ वाली जो फाइल है ASI वाली इसको भी मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये इंस्टॉलेशन डन। इसके बाद आपको गाइस स्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करना है गेम का, ठीक है।
फिर एडिंग्स में जाके आपको फ्यूल स्क्रिप्ट है 0.8 वाला, इसको ओपन करना है और स्क्रिप्ट्स में जाना है। इसके बाद एडिंग्स और फिर ये दिखेगा फ्यूल स्क्रिप्ट वी डॉट यू ऑफ फाइल, इसको भी आपको उठाना है और इधर फिर से इसको पछाड़ देना है। सो गाइज इंस्टॉलेशन जो है वो डन है, तो इसके बाद आपको सीधा मैं गेम में मिलता हूँ। तो गाइज अभी मैं अपनी गेम में आ चुका हूँ, इसके बाद आपको कार में बैठना है और फिर आप जैसे कि देख सकते हो मैप के ऊपर एक लाइन टाइप आ चुकी है, वो जो लाइन ख़त्म हो गई मतलब जब भी ख़त्म होगी तब उसका मतलब है आपको जाना होगा, बताता हूँ कहाँ पे आपको आना होगा, इधर ठीक है पेट्रोल पंप पे जेरी कैन जो होती है ना उसका लोगो टाइप इधर होगा, मैप में मार्क किया होगा। तो मैं आपको नज़दीक में जहाँ पे जेरी कैन होती है उधर पूरी 23 है ठीक है, तो पूरे मैप का 23 मतलब बहुत बड़ी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहाँ तो मिल जा। छोड़ो अभी हम टेलीपोर्ट आ जाते हैं, इसके बाद हमें पीछे की तरफ जाना है, कार को टर्न मारता हूँ और सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल पंप गाइस इधर आ चुका है, इसके बाद आपको क्या करना है जो जेरी कैन है ना वहाँ पे जाना है ठीक है, तो इधर पास ही में कार को ले जाके और फिर हमें ई प्रेस करना है साउंड का ऑप्शन ठीक है। तो $1 तो नहीं कटे, $10 कट गए, तो पूरा पेट्रोल हमारा फुल हो चुका है। फिर आप आराम से माउंट लियार्ड घूम सकते हो, इधर जाना इधर जा सकते हो, कहीं पे भी जाना आप जा सकते हो ठीक है। सो ये मैप मेरा पूरा मतलब भरा नहीं है, पूरा खाली है, इसको भी हम कुछ करेंगे ठीक है। सो गाइस यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस आज का वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine.